गर्मी शुरू हो गई लेकिन जलदाय विभाग अलवर में पानी का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा। इससे गुस्साए हुए लोगों ने शहर के ज्योतिबा फुले सर्किल पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान जाम लगाने से वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश की, बातचीत की, फिर जाम खुलवाया। जानकारी के अनुसार अलवर शहर के वार्ड नंबर 24 और 29 में 6 दिन से पानी नहीं आ रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार जलदाय विभाग कार्यालय जाकर शिकायत दी लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाया। मजबूरन लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। हालांकि पानी के कुछ टैंकर भिजवाए गए लेकिन बात ना बन पाई। क्षेत्र की आबादी के मुकाबले टैंकर कम पड़ गए हैं, इससे लोगों का आक्रोश बढ़ता चला गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जलापूर्ति बाधित होने से वे कई दिन से नहा तक नहीं पा रहे, पीने का पानी दूसरे जगह से लाना पड़ता है, लेकिन जलदाय विभाग इसे गंभीरता से ले ही नहीं रहा। आज सुबह लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में महिला पुरुष ज्योतिबा फुले सर्किल पर पहुंचे और मानव श्रृंखला बनाकर जाम लगा दिया गया। सूचना पाकर रावली विहार और कोतवाली थाना क्षेत्र से पुलिस जाब्ते के साथ वहां पर पहुंची। जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की गई, लोगों को समझाया गया। काफी समझाने और आश्वासन के बाद में लोगों का गुस्सा शांत हो पाया। आपको बता दें कि गर्मी जो है वो बढ़ने लगी है और यही कारण है कि पानी की अगर किल्लत कहीं पर भी नजर आती है तो जलदाय विभाग में शिकायत उसको लेकर की जाती है, पर अगर शिकायत का समाधान नहीं हो तो फिर लोगों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अलवर के दृश्य आप देख पा रहे हैं, विरोध के, आक्रोश के। हालांकि समझाइश की गई है जलदाय विभाग और पुलिसकर्मियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा समझाइश की गई है, वादा किया गया है कि इस समस्या का समाधान हो पाएगा। 24 और 29 दोनों वार्डों के निवासी हैं और पिछले तीन बार से, मतलब 6 दिन से सप्लाई नहीं आ रही है। 1 मिनट 2 मिनट कभी 6:30 बजे 5 मिनट के लिए आ जाती है। टंकी में सिर्फ 1 घंटे पानी भरा जा रहा है। रही दूसरी बात बोरिंगों की, जो भी बोरिंग जलदाय विभाग के उससे लगी हुई है वो करके ठेकेदार आज तक भी वापस नहीं आए। 4 महीने हो गए, पिछले 4 महीने से एक्सियन से आईएन से सबसे कह रही हूँ कि आपने बोरिंग लगाई है, जिस गली में बोरिंग लगाई है उसमें पानी हुआ है उसको कम से कम ढंग से कनेक्ट तो कर दो। एक दो गलियों की समस्याएं समाप्त होंगी, एक दूसरी जगह हम पानी टैंकर से व्यवस्था, टैंकर वाला कभी टाइम से नहीं आ रहा, 2 टैंकर डाले तीसरे पे फोन नहीं उठाता। टैंकर की वजह से अभी मोहल्ले में 3-4 जगह झगड़े हो गए, सिर भी फूटे आपस में, हमें टैंकर से पानी नहीं चाहिए। हमारी मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड की जो टंकी है वो कम से कम 4 घंटे टंकी बननी चाहिए। एक्सियन अपने रिश्तेदारों को पानी देता है, स्कीम 5 में पानी देता है। कांग्रेस की सरकार है तो ये नहीं कि बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का वोटर प्यासा मरेगा। आपका नाम क्या है? सुमन चौधरी, वार्ड नंबर 24।